अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ एबटाबाद ट्रिप। इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटी सी वीडियो एबटाबाद बाज़ार की, और इसके अलावा खान दही भले जो मैंने स्पेशल खाने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। तो ये एबटाबाद का बाज़ार है, मेन बाज़ार है, कोई ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, पुराना बाज़ार ही है, हर तरह की शॉप्स हैं। और इसमें भी लेफ़्ट साइड पर देखिए, ये शादी ब्याह से रिलेटेड सारा सामान है, और वो हार नोटों वाले जो कभी हमारे पेरेंट्स के दौर में चलते थे ना, वो वाले। ये लजीज़ा फ़ास्ट फूड की शॉप थी, वापसी में दोबारा आपको दिखा दूँगी। आगे कपड़ों की, बच्चों की शॉप थी, और उसके बाद ये ज्वेलर्स की गली है जिसमें ड्राई फ्रूट वाला है। तो पूरी डिटेल से तो मैं आपको ये पूरा बाज़ार तो नहीं दिखा सकी। अब ये देखें, ये लहंगे लगे हुए थे, यानी जो लोग आते हैं ना हिली एरियाज़ वाली साइड से, उनके लिए तो ये बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइंस हैं। गुल फैब्रिक्स पे चादरें वगैरह, कपड़े सब कुछ बड़ा अच्छा मिल जाता है। और ये जो साइम गारमेंट्स है, इस पे पर्सेस लटके हुए हैं। यहाँ से मैंने काफ़ी बार ज्वेलरी भी ख़रीदी है, पर्सेस भी लिए हैं और परफ्यूम्स भी लिए हैं, बहुत पुरानी बात है। ये जूतों की शॉप इस जगह पे कभी ज्वेलरी की और मेकअप की शॉप होती थी। सामने इसके ये देखें बैग्स की शॉप है। ज़्यादातर बैग्स जो होते हैं ना, ये लोग खुद बनाते हैं, चाइना से भी आते हैं लेकिन ये खुद बनाते हैं, रिपेयर भी हो जाते हैं कोई भी किसी का बैग डैमेज हो। ये भी बैग्स की शॉप थी। अब आगे से राइट पे बिल्ले दी हट्टी आती है, मगर मैं लेफ़्ट पे टर्न हो गई हूँ। बिल्ले दी हट्टी का नाम इसलिए लिया है कि बड़ी पुरानी शॉप है कपड़ों की। और ये सर्विस के सामने एक और शॉप है, क्रिसेंट क्लॉथ स्टोर। ये मैं आपको वापसी में दोबारा जाते हुए भी दिखा दूँगी। ये भी ब्राइडल कपड़ों के लिए बहुत मशहूर है। पहुँचाई हूँ दही भल्लों की शॉप पे, खान दही भले, साथ में ये अलमदीना। लेकिन देखें सब कुछ भरा पड़ा है उसके पास, मगर मैं थोड़ी लेट हो गई थी ट्रैफिक की वजह से। तो देखें आखिरी चंद प्लेटें थी जिसमें से मेरी किस्मत में भी दो प्लेटें आ गई थी। तो दही भले बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्रेश थे। हो सकता है आप लोगों में से कोई ट्राई करे उसको अच्छे ना लगे, लेकिन मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मेरे ये बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 150 की प्लेट है, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मस्ट ट्राई हैं, क्योंकि इनके जो इनका टेस्ट है ना और क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, फ्रेश चीज़ें होती हैं इनकी। तो दही भले खाने के बाद वहाँ से मैं निकली, तो ये सामने फास्ट अली फास्ट फूड वाली शॉप पे ये समोसे बन रहे थे। तो मैंने सोचा कि ऐसे करती हूँ कि यहाँ से समोसे ले लेती हूँ। और फिर आगे एक शॉप आती है फ़ास्ट फूड की, जिसका नाम है लजीज़ा फ़ास्ट फूड। बहुत बहुत फेमस शॉप है, बहुत पुरानी शॉप है, और उनकी ना वो पिंक टी बहुत बहुत फेमस है, और मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं सर्दियों में तो स्पेशली एबटाबाद का विज़िट प्लान ही इसलिए करती हूँ कि मैंने वहाँ से पिंक टी पीनी होती है, कि मुझे वैसी पिंक टी ना कहीं भी और उस टेस्ट वाली नहीं मिली। तो मैंने सोचा यहाँ से समोसे लेती हूँ और फिर आगे जाके लजीज़ा से जो है वो पिंक टी ले लूँगी। वापस अभी जा रही हूँ मैं, दही भले खाने के बाद मैं बाज़ार में फर्दर आगे नहीं गई बल्कि वापस जा रही हूँ। क्रिसेंट क्लॉथ स्टोर आपने देखा है, ब्राइडल कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इधर एक और भी क्लॉथ स्टोर है जिसका नाम है कश्मीर क्लॉथ स्टोर, और उस पर ये के बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं। ये वाली शॉप जलेबी वाली लगता है नहीं खुली है कुछ टाइम हुआ, और ये जो है ना भाई, ये चूहे मार और कुछ और कीड़े मार अद्वियात बेच रहे थे। और उसके बाद आगे बैग्स वाली, अगेन वही बैग्स वाली शॉप जो मैंने आपको जाते हुए दिखाई थी, और फिर जूतों वाली शॉप है जो बड़े बहुत बड़ी शॉप है ना प्लास्टिक के जूतों की, इसके सामने ये क्रॉकरी की शॉप है, इसमें बहुत अच्छी क्रॉकरी मिल जाती है। फिर कपड़ों की शॉप्स हैं, ये ब्राइडल ड्रेसेस हैं, ये शॉप है रेडीमेड कपड़ों की, बच्चों के भी हैं बड़ों के भी। और ये छोटी सी जो शॉप है ना बिल्कुल तंग गली जैसी, ये बहुत पुरानी शॉप है और इनके पास बहुत अच्छे ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं और बहुत चलती है ये शॉप। नेक्स्ट कपड़ों की एक शॉप है, और फिर ये चादरों की और गर्म शॉल्स जो है ना, पश्मीना शॉल्स उसकी शॉप है। और नेक्स्ट ये शॉप वो है जिस पे पैर लहंगे लगे हुए थे, उसमें ये मेहंदी माइयों का ड्रेस येलो कलर का लगा और साथ पीच कलर का। एक ये गली अंदर को जा रही है, ये ज्वेलर्स की गली है, ज्वेलर्स होते हैं। ये कपड़ों की, बच्चों के कपड़ों की ये भी शॉप है, और इसके साथ वाली भी। मेरे ख्याल से ये इस शॉप के जो ओनर्स हैं ना, ये बूढ़े बाबा जी और उनकी मिसेज हैं। तो आगे लजीज़ा फ़ास्ट फूड है,
तो लजीज़ा फ़ास्ट फूड जो है ना यहाँ पे, मैंने आपको भी बताया था कि मैंने पिंक टी पीनी थी, लेकिन शायद इनको लगा मौसम चेंज हो चुका है इसलिए इन्होंने वो ख़त्म कर दी और ये सीज़न के साथ ही इसको चलाते हैं। तो मैंने बस फिर कोल्ड ड्रिंक ही ले ली थोड़ी देर बैठ के, और समोसे जो है वो कोल्ड ड्रिंक के साथ ही इंजॉय कर लिए। वहाँ से बाहर निकली हूँ तो साथ ही जो हार नहीं थे जिस शॉप पे जाते हुए मैंने आपको दिखाए थे, उसमें ये जो जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ, ये गाने हैं। लोकल लैंग्वेज में इनको गाने बोला जाता है, और जब किसी लड़के की शादी होती है ना तो दूल्हे को ये पहनाए जाते हैं, मेनली जो सिस्टर्स हैं वो पहनाती हैं। ये आगे बच्चों के सामान से रिलेटेड शॉप्स हैं, फिर जूतों की शॉप है, और फिर एक गली आ रही है, एक गली पीछे दिखाई थी, एक ये वाली गली है, इसमें ज्वेलर्स हैं। तो आगे बच्चों की ट्राई साइकिल्स और जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं ना उसकी शॉप है, और उसके बाद आगे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान इस शॉप के अंदर है। तो यहाँ पे ना बाज़ार के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था जिसकी वजह से कंजेशन हो गई थी। ये कुर्तीज़ की बड़ी प्यारी शॉप थी, बहुत अच्छी कुर्तीज़ थी। और अभी आगे देखिएगा आप, एक गिफ्ट शॉप है, भी बड़ी पुरानी है लेकिन बहुत खूबसूरत डेकोरेशन का सामान इनके पास है, बहुत खूबसूरत घड़ियाँ, फ्रेम्स वगैरह, फ्लावर्स आर्टिफिशियल जो है वो सब हैं। ये साथ में एक बहुत अच्छी बेबी शॉप थी, और फिर पेशावरी चप्पलों की शॉप है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। और राइट पे देखें काम चल रहा है, तो थोड़ा सा जो है वो रोड ब्लॉक हुई हुई है। फिर परफ्यूम्स की शॉप है, ये वॉचेस एंड एक्सेसरीज़ की शॉप है, और ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी शॉप्स हैं। तो अब यहाँ से ये रास्ता एक तंग सा रास्ता था, इसकी बाज़ार की बैक की तरफ जा रहा था, बैक्स की शॉप, और फिर राइट पे कपड़ों की शॉप है। तो एबटाबाद का जो ये बाज़ार है ना, ये बहुत जल्दी बंद हो जाता है, ज़्यादा लेट तक खुला नहीं रहता। मोबाइल्स की शॉप आपने देखी, फिर ये जूतों की शॉप्स, और फिर लेफ़्ट पे आपने देखा है कि ये सारी शादी ब्याह से रिलेटेड शॉप्स हैं। एक आपने बाज़ार के अंदर देखी थी, बाकी सारी यहाँ बाहर हैं। तो ये एक शॉप आपको भी यहाँ बंद मिलेगी ना बिल्कुल शादी ब्याह के सामान के सामने, ये रग्स की, कारपेट्स की बहुत बड़ी शॉप थी। और ये भी चौक है, चौक से अगर राइट वाली रोड पर आप जाते हैं तो सिल्क रोड जो मेन रोड है उसको जाके ज्वाइन करते हैं, और लेफ़्ट साइड पे सारी मोबाइल्स की शॉप्स थी, मैं सीधी जा रही हूँ। तो आप देखिए ये लेफ़्ट पे मेरे मोबाइल की शॉप है, यहाँ पे किसी ज़माने में, आज से बहुत पुरानी बात है, लेमन सोडा और कोन आइसक्रीम की शॉप होती थी। ये है कैंटोनमेंट शॉपिंग सेंटर, इसे कैंट प्लाज़ा कहा जाता है, साथ कश्मीर शूज़ की शॉप है। इस जगह की ये पुरानी फ़ोटो देखिए, ये प्री पार्टीशन दौर की फ़ोटो है, देखें कितना फ़र्क आ गया। इसके सामने साइड पे लास्ट लुक है, शूज़ की, कॉस्मेटिक्स की, बैग्स की, बहुत पुरानी शॉप, और उसके साथ दो बुकेस की, फ़्लावर्स की शॉप्स हैं, बहुत बहुत अच्छे बुकेज़ यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ में इसके ये कोई गिफ्ट शॉप, फ्लावर शॉप के साथ ही उस साइड पे मस्जिद है। इस साइड पे ये है टेस्ट मेकर, और टेस्ट मेकर पे भी मैं बहुत आया करती थी, यहाँ पे मेरी अम्मी को ना यहाँ की चॉकलेट चाय अच्छी लगती थी। तो शाम का टाइम है, अजान हो चुकी है, ये सारे लोग जो है ना ये मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी लेफ़्ट साइड पे देखिएगा, ये है जैदीज फ़ोटोग्राफ़र्स, और ये यहाँ के बहुत फेमस फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, बहुत अच्छी पिक्चर्स फ़ोटोज़ बनाते हैं, और ब्राइडल मेनली जो काम है ना वो ये लोग करते हैं। और मेरी तो हमेशा से फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए ये फेवरेट जगह रही है। आगे ज़ोंकी फ्रेंचाइज़ के साथ मॉडर्न बेकरी है, और जो लोग एबटाबाद में फ्रिक्वेंटली आते जाते हैं, जिनका ताल्लुक है एबटाबाद से, उनको आइडिया है कि ये मॉडर्न बेकरी कितनी ज़्यादा पुरानी है। मैंने जो फ़र्स्ट यहाँ से पेस्ट्री खाई थी ना, आई थिंक सो कि वो 2001 या 2002 में खाई होगी। तो आप आइडिया लगाएं कितनी ये जो है ना बेकरी पुरानी है। आगे चौक आ गया, मोमबत्ती चौक है, नाम क्या है मुझे नहीं पता। तो इस चौक से लेफ़्ट को जो रास्ता जा रहा है ये शिमला हिल्स की तरफ जाता है, और जो राइट वाला रास्ता है ना इस पे जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं और फिर टर्न करते हैं ना, एक रोड है उस पे टर्न कर जाते हैं, तो फिर सेंट ल्यूक्स चर्च है, रेड अनियन है, और उसके सामने राइट हैंड साइड पे लेडी गार्डन है। और अगर स्ट्रेट इसी रोड पर जाते हैं तो फिर मेन रोड को आप जाके ज्वाइन कर जाते हैं। बस वहाँ से निकल आई हूँ मैं, वापस जा रही हूँ। ये जिना रोड है जो मेन बाज़ार है ना, इसके साथ साथ ये रोड जा रही है,
जिनार रोड से कहा जाता है। अब आगे मैं एक जगह पे जाके रुकूंगी जिसका नाम है गुरुद्वारा गली। ये जो चौक आ रहा है अभी, इस ये चौक है ख़त्म नबूवत चौक है, और यही बेसिकली मेन बाज़ार में, अगर आप यहाँ तक इवन पहुँच जाते हैं ना, तो ये चंद शॉप्स छोड़ के खान दही भले की शॉप है। तो बस यहाँ चौक क्रॉस करते साथ ही थोड़ा सा जब आगे आते हैं तो एक गली अंदर को जा रही है, उस गली को कहते हैं गुरुद्वारा गली। ये वाली गली है, इसमें ये जो चने हैं ना, चनों की शॉप्स हैं, चने इनके बड़े ज़्यादा मशहूर हैं और हर टाइम यहाँ पर रश होती है, लेकिन चूंकि बहुत लेट हो चुका हुआ था, कुछ शॉप्स यहाँ पर बंद भी हो गई हुई थी, तो मैंने फिर ये की शॉप खुली हुई थी जिससे फिर मैंने चने लिए थे। हर टाइम जो इनका कुकर चलता रहता है और चने बनते रहते हैं, अगले चने ख़त्म हो जाते हैं और चने जो है वो तैयार हो जाते हैं। इनके सामने ये शॉप थी, बड़ी प्यारी चूड़ियाँ वगैरह थी, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की शॉप थी। तो चने देखें, ये सोडे वाले चने होते हैं, मसाले वगैरह इसमें ठीक ठाक डाले होते हैं, और उस पर थोड़ा सा ये पतला सा दही डाल के ना अनियंस डाल देते हैं, बस यही होता है, लेकिन लोगों को इसका टेस्ट बहुत ही पसंद है। बस अब मैं वापस जा रही हूँ इस्लामाबाद अपने घर। हर रेस्ट एरिया पे थोड़ी देर की ब्रेक ली है, और आपने दोनों पार्ट्स एप्टोबा ट्रिप के वॉच करने हैं और फिर मुझे बताना है कि कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।